और टूरिज्म सेक्टर में इस समय कुछ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। वैसे तो खैर पर्यटन से आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुलता है, लेकिन देश में टूरिज्म की पिक्चर कैसी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंचन जुड़ी हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो इकोनॉमी नहीं, जो टूरिज्म है काफ़ी चीज़ों को अच्छा कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेंटल हेल्थ, देश की इकोनॉमी और उसके साथ साथ बाजार के अंदर पैसा, ऐसे स्टॉक जहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें 2023 की, उस टाइम पे जो इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट थे उसका जो नंबर था वो था करीबन 2 करोड़ का, और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें तो वो है करीबन 173 सीआर के पास। अगर जीडीपी में हम टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है करीबन 2.78% का। अगर कमाई देखी जाए तो 2023 का जो डेटा है वो आ रहा है 231 अरब डॉलर का, और 2030 तक जो 34 तक जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 523 अरब डॉलर का। कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा आने की उम्मीदें जताई जा रही है 2034 तक। अभी इसका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयमेंट में, कि किस तरीके से ये लोगों को एक तरीके से रोजगार भी प्रदान कर रहा है। अगर अभी का डेटा देखें तो वो है करीबन 8 करोड़ का, और 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर जो बढ़ के है वो हो जाएगा 14 करोड़ का। अब टूरिज्म इतना बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से मिल रहा है, उसके पीछे के काफ़ी सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो लोगों की इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग अपने जो पैसा है, अपनी सैलरी है, घूमने फिरने में भी खर्च कर रहे हैं। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसके अच्छे होने से इसको काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। मेडिकल वेलनेस है और बाकी के ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं जिसको और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है ताकि वहां पे टूरिज्म को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। ऑनलाइन बुकिंग करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया, जिससे ये काफी सारी चीजें हैं लोगों के लिए अब जो फिजिबल हो गई है। अब कुछ ऐसी जगह है जो लोगों को घूमना काफी ज्यादा पसंद है, कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी, अयोध्या की अगर हम रिसेंटली देखें तो कितना इनफ्लो अयोध्या के चलते आया है इंडिया के अंदर, लद्दाख और गोवा तो लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है ही। अब बात करते हैं बाजार की, यानी कि बाजार के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में हैं और जिनको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मेक माई ट्रिप की। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो इसने दिया है करीबन 134% का रिटर्न। एट द सेम टाइम इंडिगो, लार्जेस्ट मार्केट शेयर के साथ, इसने एक साल में दिया है 106% का रिटर्न। इनिट होटल 70% का रिटर्न। साथ ही साथ थॉमस कुक की बात करी जाए तो इसमें 65%, EIH 65%, IRCTC ने 35% का रिटर्न, BLS इंटरनेशनल ने 50% का, और साथ ही साथ IRCTC का 35% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। अब ये तो थी कुछ डेटा पॉइंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो जो टूरिज्म है हमारी इकोनॉमी में एक बूस्ट करता है। अब हमने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है अपने न्यूज़ रूम का, जहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है कि जो हमारे न्यूज़ रूम में लोग हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, वो इस साल कहाँ कहाँ घूमे हैं और उनकी टू डू लिस्ट में कहाँ कहाँ घूमना बाकी है, एक बार वो देखते हैं। तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे, घूमना सबको पसंद है, लेकिन इस साल कौन कहाँ घूमा, कौन सी डेस्टिनेशन उनकी टू डू लिस्ट में है, इसके ऊपर थोड़ी सी हमने सबसे बातचीत की है। आइए देखते हैं किसको कहाँ घूमना पसंद है और कौन कहाँ जाना चाहता है। लेट्स कम। इस साल कहाँ कहाँ घूमे हैं? इस साल मैं ज्यादा नहीं, एक फुकेत गया था और एक मैं गया था कीनिया मसीमारा अपनी फैमिली के साथ सफारी पर। और कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो आपको कवर करने है, मतलब आपकी लिस्ट में? अगले हफ्ते शायद मैं बाली जा रहा हूँ, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया मेरी लिस्ट में है लेकिन अब तक कवर नहीं कर पाया हूँ। इस टाइम पे आपको क्या लगता है कौन सी डेस्टिनेशन है जो सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं? आई थिंक सफारी, आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन लोगों को थोड़ा क्रेज आया है। इस साल कहाँ कहाँ घूमे आप? ज्यादातर तो ऑफिस से घर ही मेरे को लगता है इस देश में, दुनिया में हर जगह घूमना चाहता हूँ, पर डिपेंड करेगा पॉकेट कहाँ तक परमिट करेगी। मुझे लगता है गोवा, आई एम अज्यूमिंग गोवा या अयोध्या में से कोई होगा। क्या अभी देखेंगे कि कितना आंसर सर का सही है, लेकिन सर इस बार छुट्टी पे जरूर जाइएगा। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सब सुन रहे होंगे ऑफिस में ना। इस साल मैं गई एंडमिन्स पहली दफ़ा, आई लव्ड इट, और फिर मैं गई मालदीव्स जो मैं रेगुलरली जाती हूँ। कौन सी अब डेस्टिनेशन लिस्ट में है जो घूमना आपको बाकी है? अब मैं जाना चाहती हूँ मलेशिया में सिपादान। देखिए मेरा वन ट्रैक है, जहाँ पे समुंदर अच्छा हो और बहुत सारी डाइविंग हो वह मैं पहुँच जाऊँगी। यार इस साल मैं सिर्फ कर्जत गया हूँ, धर्मेंद्र जी कहीं ले ही नहीं गए, कहाँ गए धर्मेंद्र जी? घूमना चाहूँगा इस बार, आई थिंक कि चूँकि मैं बहुत दिन बाद घूमने चाहूँगा तो मैं यूरोप टूर पर जाना चाहूँगा। इंडिया में ग्लोब? इंडिया।
अरे यार गोवा मुंबई, नो डाउट अबाउट इट। लोनावाला घूमे महाराष्ट्र में, गोवा घूमे, दिल्ली घूमे और गुजरात अक्सर जाया करते हैं क्योंकि हमारा होम टाउन है वहाँ। लिस्ट में मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी है। मुझे लगता है बॉम्बे के काफी लोग हैं ऐसे जो बॉम्बे के बाहर जाते हैं। तो काफी सारे लोगों से हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कहाँ पे घूमे, कहाँ घूमना चाहते हैं, साथ में कौन सी टॉप डेस्टिनेशन है और कहाँ के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं। लेकिन अब मैं आपको इन सबका सही आंसर देती हूँ, लास्ट के दो क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ कि कहाँ लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। अगर इस साल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप में बना हुआ है, गुजरात भी टॉप में बना हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहाँ के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है गुजरातियों का, गुजरात के लोग सबसे ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं, और दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र यानी कि मराठियों का। ओके, तो स्टॉक मार्केट भी गुजराती और मराठियों से ही चलता है एक्चुअली। अच्छा, मार्केट इस बीच में डे लो पर आ गया तो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी अब 57 पॉइंट नीचे।